Hi everyone, today I am discussing about chemical bonding chapter characteristics of a covalent bond. So I am padhutule covalent bond. Say covalent bond ra am padhutile definition padhutile kichi ame molecule kemiti covalent bond formation korchanti seta dekhitile diploma mate dekhitile. To next I am discussion kon kariba the characteristics of a covalent bond. The ami jo padhiba characteristics of covalent bond. अरे हमें कैस्ट देखिबा covalent bond रा characteristics देखिबा तले covalent compounds exist in solid, liquid, gaseous state. तले जेते all covalent compounds आमर को फॉर्म रे एग्जिस्ट हबो solid फॉर्म रे भी एग्जिस्ट हबो लिक्विड फॉर्म रे भी एग्जिस्ट हबो गैसियस स्टेट रे भी एग्जिस्ट हबो बुझल नै किंतु आमे कहिथिले जेले आयोनिक कंपाउंड पढ़िथिले आयोनिक कंपाउंड केस रे हम कोन कहिथिले ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर वेरी हार्ड सॉलिड कंपाउंड्स हो नै किंतु कोवलेंट कंपाउंड कोन हबो सॉफ्ट सॉलिड्स लिक्विड गैसियस स्टेट तो फर्स्ट पॉइंट हला ता से कोन करबो सॉलिड फॉर्म रे भी एग्जिस्ट हबो आउ को फॉर्म रे एग्जिस्ट हबो लिक्विड फॉर्म रे भी एग्जिस्ट हबो कोवलेंट कंपाउंड्स ता आउ कोड़े आने गैसियस स्टेट रे भी गैसियस स्टेट रे भी तमरो कोन हबो ना कोवलेंट कंपाउंड आ एग्जिस्ट करिवो हला फर्स्ट पॉइंट थिला तापरे जेमते हमर थिला आयोनिक कंपाउंड्स ता कोन ना हार्ड नेचर ये को नेचर हबो सॉफ्ट नेचर को नेचर हबो सॉफ्ट नेचर हला सॉफ्ट तापरे आम कोन थिला दे आयोनिक कंपाउंड हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इन कौन स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयोनिक कंपाउंड कौन थिला दे आयोनिक कंपाउंड रे स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होतुबारो हाई टे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किंतु इधर कौन हबो लो मेल्टिंग पॉइंट लो बॉइलिंग पॉइंट हैला आ कोवलेंट बॉन्ड्स आर रिजिड ए कोवलेंट कंपाउंड्स गुड़ी को कौन रिजिड कोवलेंट कंपाउंड्स गुड़ी का कमिटी देखिया पाई रिजिड देखिया पाई आउ कोन डायरेक्शनल नेचर डायरेक्शनल नेचर या किसी डायरेक्शन थाए डायरेक्शनल नेचर माने जे कोन से गुटे डायरेक्शन रे ये कोन करिवो बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो आउ कोन करे दे आल्सो शोज ए नंबर ऑफ आइसोमर्जिम ये कोन करिवो एंड कोन देखैबो ना शो करिवो शो ए नंबर ऑफ आइसोमर्जिम शो करिवो हैला आइसोमर्जिम शो करिवो आइसोमर्जिम त पढ़िबो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोन पढ़िबो ते हमर आइसोमर्जिम आइसोमर्जिम का कहबा सेम मॉलिक्युलर फार्मूला यदि डिफरेंट स्ट्रक्चर होतबो त का हम कहबा आइसोमर्जिम तो आइसोमर्जिम हमर मेनी टाइप्स उठेला स्ट्रक्चरल आइसोमर्जिम आ उठेला स्टेरियो आइसोमर्जिम पुणि स्ट्रक्चरल आइसोमर्जिम दा हमर फाइव टाइप्स उठेला चेन आइसोमर्जिम पोजिशन आइसोमर्जिम मेटामोरिजिम फंक्शनल आइसोमर्जिम टोटोमोरिजिम एमती अच्छे आम पुणी जोमेट्रिकल आइसोमर्जिम ऑप्टिकल आइसोमर्जिम एमती बहुत गुड़े आइसोमर्जिम अच्छी से आइसोमर्जिम किए शो कर कोवलेंट कंपाउंड शो कर बुझे ना कमी शो कर जो आम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा दे आम पढ़ा सीस ट्रांस आइसोमर्जिम को आम कह कौन जोमेट्रिकल आइसोमर्जिम तो सीस माने जो जो सीस आउ ट्रांस कि जोमेट्रिकल आइसोमर्जिम जो जिते सब आइसोमर्जिम शो करेंगे से एलिमेंट्स मानक कि आटम्स मानक कौ बंड कोवलेंट बंड हो ना जिते सब आइसोमर्जिम जो कंपाउंड गुड़िक आइसोमर्जिम शो करेंगे से कंपाउंड गुड़िकर कौ बंड थी कोवलेंट बंड हो किंतु आयोनिक कंपाउंड माने आइसोमर्जिम शो करेंगे ना किंतु कोवलेंट कंपाउंड माने आइसोमर्जिम शो करेंगे बुझेगा आउ कौन यहाँ गोटे रिजिड नेचर आउ यार कौन था डायरेक्शनल नेचर या कि डायरेक्शन थाए मैंने ए डिरेक्शन हम ए डिरेक्शन हम कौट जो जेको गोटे डिरेक्शन दे ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर किंतु आयोनिक कंपाउंड किसी डायरेक्शन न था बुझे तो मुझे तुमको कंपेयर करुच्ची दे आयोनिक कंपाउंड आउ कोवलेंट कंपाउंड रे कंपेयर करना यार कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को मुझे कंपेयर करना तुमको बताऊँ हैला तो फास्ट आम जानते हैं कौन आयोनिक कंपाउंड आ गोटे कौन सॉलिड फॉर्म रे एग्जिस्ट हम आउ कौन हो सॉलिड फॉर्म रे एग्जिस्ट हो दे कौन थोड़ा स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो कि ये कौन हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम ना आउ ये सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट रे एग्जिस्ट करिवो एटा टिके सॉफ्ट थाए आउ रिजिड थाए
डायरेक्शनल नेचर थाए आइसोमर्जिम शो करे कि आईन कंपाउंड आइसोमर्जिम शो करेनी नॉन डायरेक्शनल नेचर आउ बुझिपाल तो ये आईन कंपाउंड। नेक्स्ट देखिए आम कौन ना जिते सब कोवेलेंट कंपाउंड्स देख कोवेलेंट सॉलिड्स कोवेलेंट आम आयोनिक कंपाउंड कौन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आयोनिक कंपाउंड थी कौन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना जदि आम जिते सब आयोनिक कंपाउंड सब्सटेंस नहीं से कौन कर इलेक्ट्रिसिटा भल भाव प्रवाहित हो पार किंतु तुमर मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैला जमी आम कोवेलेंट सॉलिड्स लाइक कोवेलेंट सॉलिड्स सॉलिड लाइक डायमंड कौन डायमंड ए डायमंड कौन करे डायमंड तुम कोवेलेंट बॉन्ड करे को बॉन्ड करे डायमंड कौन करे ना कोवेलेंट कौन बॉन्ड करे आउ गोटे कौन सिलिकॉन कार्बाइड सिलिकॉन कार्बाइड एम कौन था इटीसी एम कौन था बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन था बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना जो माने कोवेलेंट बॉन्ड करती कौन कहली जो माने कोवेलेंट जो कंपाउंड्स गुड़िक कोवेलेंट बॉन्ड करी थांती से कंपाउंड्स गुड़िकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करिबा सेते भल से हो न थाए जिद्र कम कह जाए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किंतु आयोनिक कंपाउंड भल भाव आक्व स्टेट आ मोल्टेन स्टेट से कौन कर इलेक्ट्रिसिटी की भल भाव फ्लो हो पाए से कह जाए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौटा आयोनिक कंपाउंड किंतु कोवेलेंट कंपाउंड गोटे कौन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड किंतु रेयर कंपाउंड थांती जो कि आम पढ़ा कौन ग्राफाइट कौन पढ़ा ग्राफाइट ग्राफाइट कौन करे ग्राफाइट आम लेयर स्ट्रक्चर हो ना मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किंतु ये जो ग्राफाइट कौन करे ना ग्राफाइट कोवेलेंट बॉन्ड करे ग्राफाइट गोटे कोवेलेंट सॉलिड्स ग्राफाइट गोटे कौन कोवेलेंट सॉलिड फिर भी ये कौन करे ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्राफाइट कोवेलेंट सॉलिड होना भी कौन कर गोटे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्राफाइट आमर कौदर एग्जाम्पल जाऊँगी कोवेलेंट कंपाउंड एग्जाम्पल जाऊँगी ग्राफाइट कोवेलेंट बॉन्ड हो फिर भी ये कौन गोटे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर ग्राफाइट जो स्ट्रक्चर हो से स्ट्रक्चर कौन हो ना ग्राफाइट गोटे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू कौन हो ना इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन लेयर रु अनदर लेयर वन लेयर रु अनदर लेयर को इलेक्ट्रॉन डा ट्रांसफर हो पार तुम जान दे इलेक्ट्रॉन डा जो डिरेक्शन रे फ्लो हुए तार अपोजिट डिरेक्शन रे करेन्टा फ्लो हुए तो ये कौन हो ना ग्राफाइट गोटे लेयर आउट लेयर को करेन्टा इलेक्ट्रॉन डा फ्लो हो करेन्टा भी भल भाव फ्लो हो पार है किंतु आम जदि कह ग्राफाइट को छाड़देला आउ रेस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर कौन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किंतु ग्राफाइट गोटे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जब आम देखा दे ग्राफाइट ये जो आम देखा कोवेलेंट कंपाउंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखा देख तुम मानक नोट लिखुनी डिटेल्स भाव में कौन नोट लिखुनी ता तुमको ऑलरेडी पीडीएफ भाव में नोट को अपलोड कराई तुम फिजिक्स फॉर यू आप रे हैला से नोट को तुम निजे लिखिबो मु जस्ट तुम खाली बुझे दौची हैला तो से हीपरी कौन हम ना ग्राफाइट जो आम कोवेलेंट कंपाउंड गोटे थाए टू टाइप्स गोटे पोलार कोवेलेंट कंपाउंड आउ गोटे थाए नॉन पोलार कोवेलेंट कंपाउंड कही बिफोर क्लास रे दे आम पोलार कोवेलेंट कंपाउंड जहाँ डायप्लोमेंट कौन हो नॉट इक्वल टू जीरो आम कह पोलार कोवेलेंट कंपाउंड जहाँ डायप्लोमेंट इक्वल टू जीरो आम कौन कह नॉन पोलार कोवेलेंट कंपाउंड्स ताहले आमर कोवेलेंट कंपाउंड्स मीन्स पोलार कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक सुगार आर सॉल्युबल इन पोलार सॉल्वेंट्स लाइक वाटर है
आमर कौन करे ना जदि सुगार सुगार डा आमर कौन उठे ना सुगार आमर कोवलेंट कंपाउंड पोलार कोवलेंट कंपाउंड डा सुगार डा आमर गुटे कौन पोलार सुगार डा आमर गुटे पोलार कोवलेंट कंपाउंड से कौन हम पोलार सुगार डा आमर पोलार कोवलेंट कंपाउंड होइथिबारु ये कहीं हम ना पोलार कोवलेंट कंपाउंड रे ही पोलार कोवलेंट सॉल्युबल सॉल्वेंट रे ही सॉल्युबल हम कहीं सॉल्युबल हम ना गोटे सुगार डा पोलार कोवलेंट कंपाउंड होइथिबारु एटा को उद्रे सॉल्युबल हम पोलार कोवलेंट कोवलेंट सॉल्वेंट सॉल्वेंट रे कौन हम सॉल्युबल हम लाइक वाटर हैला ताले इधर आम जान ले जे पोलार कोवलेंट कंपाउंड पोलार सॉल्वेंट रे सॉल्युबल हो जेते सब पोलार कोवलेंट कंपाउंड काहे सॉल्युबल होबे पोलार सॉल्वेंट रे ही सॉल्युबल हो हेते में सुगार डा आमर पोलार कोवलेंट कंपाउंड हेतिबारो ये काहे रे सॉल्युबल होबो ना पोलार सॉल्वेंट रे ही सॉल्युबल होबो लाइक जोडा वाटर सेहीपरि आमर किछि थांते नॉन पोलार कोवलेंट कोन थांते नॉन पोलार कंपाउंड्स नॉन पोलार कंपाउंड्स जमिति आमर नाप्थालिन लाप्थालिन लाप्थालिन गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड लाप्थालिन गोटे कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड एटा गोटे को कंपाउंड नॉन पोलार नॉन पोलार लाप्थालिन डा गोटे नॉन पोलार कोवलेंट कंपाउंड लाप्थालिन गोटे कौन नॉन पोलार कोवलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जोटा कि ये सॉल्युबल हम कहीं नॉन पोलार कोवलेंट सॉल्वेंट रे कहीं सॉल्युबल हम नॉन पोलार कोवलेंट सॉलिड रे सॉल्युबल हम जोटा कि आमर कौन नॉन पोलार कोवलेंट सॉलिड को माने जो सॉल्वेंट को माने जमिति इथर लाइक इथर इथर टोलुइन टोलुइन एटा गोटे कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीन है नाप्थालिन डा गोटे नॉन पोलार कोवलेंट कंपाउंड होइथिबारु से कहीं सॉल्युबल हम नॉन पोलार सॉल्वेंट रे ही सॉल्युबल हम तो से नॉन पोलार सॉल्वेंट गुड़िक इथर टोलुइन बेंजीन ये सब तुम कौन नॉन पोलार सॉल्वेंट ये ही सॉल्युबल हम है नेक्स्ट जो आम देखा कोवलेंट कंपाउंड्स आर नाइदर हार्ड कोवलेंट कंपाउंड्स गुड़िक नाइदर हार्ड माने हार्ड नुहे कि नर ब्रिटली नेचर ब्रिटली कहला माने कौन भंगुर ब्रिटली कहले कौन भंगुर जमी तुम आयोनिक कंपाउंड कौन थाए हार्ड नेचर थाए आउ ब्रिटली नेचर थाए मैला किंतु कोवलेंट कंपाउंड नाइदर हार्ड नर ब्रिटली हैला हार्ड नुहे कि ब्रिटली नेचर नुहे हैला ये कहता है सॉफ्ट वाक्सी हैला सॉफ्ट होता है तुम कोवलेंट कंपाउंड कौन होता है सॉफ्ट होता है आउ कौन होता है एंड वाक्सी वाक्सी कौन पाए वाक्सी इन आउ इधर कौन होता है वीक ड्यू टू सॉफ्ट आउ वाक्सी कौन पाए होता है ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर वीक इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना तुमर आयोनिक कंपाउंड कौन होता है हार्ड आउ ब्रिटली नेचर होता है तुमर कौन होता है कोवलेंट कंपाउंड कौन होता है सॉफ्ट आउ ऑक्सी होता है आउ ड्यू टू कौन पाई वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउ यार मेल्टिंग पॉइंट एंड ए बॉइलिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कौन होता है लो बुझी पारे ना
किंतु तुम आयोनिक कंपाउंड्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई बुझीला। जब तुमको पचार कौन होता है ना जमी आयोनिक कंपाउंड कौन होता है आयोनिक रिएक्शन कौन होता है आयोनिक रिएक्शन से कोवेलेंट कंपाउंड रो अंडर गोज मॉलिक्यूलर रिएक्शन को रिएक्शन कर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भितर ही रिएक्शन हे जमी आम कौन कह देख मु तुमको डिफरेंशिएट कौचि ना आयोनिक कंपाउंड तुमको एग्जाम रे भी आसे डिफरेंशिएट बिटवीन आयोनिक कंपाउंड डिफरेंशिएट बिटवीन कौन आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड आउ कोवेलेंट बॉन्ड भितर डिफरेंशिएट कौन ना आयोनिक बॉन्ड आउ कोवेलेंट बॉन्ड भितर डिफरेंशिएट हैला जे ना आयोनिक कंपाउंड रे कौन होता है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवेलेंट कंपाउंड रे होता है कौन वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउ तुम कौन था आयोनिक कंपाउंड हार्ड सॉलिड कौन होता है हार्ड सॉलिड आउ ब्रिटल नेचर किंतु तुम कोवेलेंट कंपाउंड कौन था सॉलिड भी हम लिक्विड भी हम गैस भी हम कि कौ नेचर हम सॉफ्ट नेचर कौ नेचर हम सॉफ्ट नेचर है कौन हम आयोनिक कंपाउंड माने आयोनिक कंपाउंड ऑल आयोनिक कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन एंड मोल्टेन स्टेट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किंतु मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किंतु ग्राफाइट केस रे कौन हुए गोटे लेयर आउट लेयर को इलेक्ट्रॉन टा कौन होतवारो मूवमेंट होतवारो ग्राफाइट गोटे हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्राफाइट टा कोवेलेंट बॉन्ड कले भी से गोटे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है गोटे पॉइंट मन रखिबो मेन पॉइंट तापर आयोनिक कंपाउंड कौन आयोनिक कंपाउंड गोटे पोलार नेचर आयोनिक कंपाउंड गोटे कौन पोलार नेचर हो पोलार कंपाउंड पोलार सॉल्युबल हम से आयोनिक कंपाउंड वाटर रे सॉल्युबल है वाटर गोटे पोलार सॉल्वेंट्स से कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट कंपाउंड जो मैंने फॉर्मेशन करती किसी था पोलार कोवेलेंट बॉन्ड था किसी था नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड था पोलार कोवेलेंट बॉन्ड कौन कैसे पोलार कोवेलेंट पोलार सॉल्वेंट सॉल्युबल हुए कौन कहती पोलार कोवेलेंट बॉन्ड पोलार कोवेलेंट बॉन्ड कौन हो डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो पोलार कोवेलेंट कंपाउंड से पोलार कोवेलेंट कंपाउंड पोलार सॉल्वेंट ही सॉल्युबल हम जमी सुगार डा पोलार से कौन हम वाटर डा पोलार सुगार डा वाटर रे सॉल्युबल बुझे यदि नॉन पोलार कोवेलेंट कंपाउंड क्या कहवा जहाँ डाइपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो कह नॉन पोलार कोवेलेंट कंपाउंड से नॉन पोलार कोवेलेंट कंपाउंड नॉन पोलार सॉल्वेंट ही सॉल्युबल हम जमी आम लैप्थालिन गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड गोटे नॉन पोलार कोवेलेंट कंपाउंड से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल हम जोटा कि बेंजीन टोलुइन इथर यह सब सॉल्युबल हम नॉन पोलार सॉल्युबल हम पोलार डा पोलार सॉल्युबल हम सेपरी यार कौन थाए ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होतवारो यार मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई किंतु कोवेलेंट कंपाउंड रो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होतवारो यार मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो हैला आउ कौन देखिबा ये आइसोमर्जिमी शो करिवो नाही ये आइसोमर्जिमी शो करिवो बुझे ना यार कौन आयोनिक कंपाउंड गोटे नॉन डायरेक्शनल नेचर कौन डायरेक्शन नेचर नॉन डायरेक्शनल नेचर कोवेलेंट कंपाउंड गोटे कौन डायरेक्शनल नेचर कौन नेचर डायरेक्शन यार किसी डायरेक्शन थाए बुझे ना तो ये कौन आयोनिक कंपाउंड गोटे कौन आयोनिक कंपाउंड कौन होता है आयोनिक रिएक्शन केमती आयोनिक रिएक्शन होता है जमी ना एच सी एल ए प्लस एनओएच एच सी एल एनओएच एच प्लस काटायन सी एल माइनस आनायन एन ए प्लस काटायन ओएच माइनस आनायन यार काटायन यार आनायन एन ए प्लस काटायन सी एल माइनस आनायन मिशिना कौन हो एन ए सी एल एच प्लस काटायन ओएच माइनस आनायन मिशिना कौन हो एच टू ओ टाइप रिएक्शन को आम कह आनायनिक रिएक्शन तो आयोनिक कंपाउंड सॉल्यूशन रे कौन कर ना आयोनिक रिएक्शन करें बुझाने कि कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्यूशन रे कौन करें मॉलिक्यूलर रिएक्शन केमी मॉलिक्यूलर रिएक्शन करमी आम ना कौन एन टू मॉलिक्यूल प्लस थ्री एच टू मॉलिक्यूल सहित मिसे कौन मिल टू एन एच थ्री तो
तो एटा गोटे मलिकुल एटा गोटे मलिकुल मलिकुल मिसीना कौन है मलिकुल ए टाइप रिएक्शन को आम कौन कह मलिकुला रिएक्शन कोवेलेंट कंपाउंड हम मलिकुला रिएक्शन एदिरे हम आयोनिक माने रिएक्शन बुझेला ये थिला तमरो डिफरेंशिएट बिटवीन आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आम डिस्कशन करवा जोटा कि आम नेक्स्ट लास्ट वन बॉन्ड जे आम पढ़ी जितने आम केमिकल बॉन्डिंग रो स्टार्टिंग रे पढ़ी कौन दे आमर थ्री टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेकिना स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेकिना केमिकल बॉन्ड इज थ्री टाइप्स गोटे कौन आयोनिक बॉन्ड आउ गोटे कोवेलेंट बॉन्ड आउ गोटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो आम कहते डेटिव बॉन्ड है। तो सेपरि आमर विक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेकिन आम पढ़ी कौन हाइड्रोजन बॉन्ड को भांड्राल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउट है मेटालिक बॉन्ड अरे हाँ ना। तो सेपरि आम कोवेलेंट बॉन्ड तो पढ़ले आयोनिक बॉन्ड पढ़ले नेक्स्ट पढ़ा आम कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आम कह डेटिव बॉन्ड। तो नेक्स्ट आम पढ़ा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आउ कौन कहवा डेटिव बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कौन कहवा डेटिव बॉन्ड। ताले कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहले कौन ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्मड व्हेन एन आटम इन ए मॉलिक्यूल और आयन विथ कंप्लीट ऑक्टेट आफ्टर म्यूचुअल शेयरिंग डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द अनदर आटम ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड केते फॉर्मेशन हबो ना गुटी आटम आउ गोटे आटम भेतर म्यूचुअल शेयरिंग हेना ऑक्टेट हबो माने स्टेबल हबो ऑक्टेट हो सारा पर कौन कर अनदर आटम को जहाँ पाखे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस थी ताको इलेक्ट्रॉन कौन कर डोनेट कर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेट बॉन्ड कौन बुझे ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड केते फॉर्मेशन हबो जिते बड़े गोटे मॉलिक्यूल रे गोटे आटम डे कि गोटे आयन डे कंप्लीट हेतिबो ऑक्टेट हेतिबो कंप्लीट कौन हेतिबो ऑक्टेट गोटे मॉलिक्यूल रे गोटे आटम और आयन से कौन कर आफ्टर म्यूचुअल शेयरिंग आफ्टर म्यूचुअल शेयरिंग माने अन्य अन्य आटम सहित से कौन कर शेयरिंग करना ऑक्टेट हेतिबो ऑक्टेट हे साइला परे अनदर आटम को कौन कर ऑक्टेट कंप्लीट करने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर डोनर जन हम डोनर आटम आ जन हम एक्सेप्टर आटम जे जे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर डोनर आटम जे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर एक्सेप्टर आटम हाँ ना। तो डोनर आटम एक्सेप्टर आटम भितर कौ बॉन्ड हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड आउ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करा जाए आरओ आरओ द्वारा रिप्रेजेंट करा जाए हैला। तो सपोज सपोज ए गुटे आटम ए आटम पाखरे कौन अच्छी आफ्टर म्यूचुअल शेयरिंग परे सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन अच्छी सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन थी अच्छी आउ गोटे बी आटम अच्छी ये आफ्टर म्यूचुअल शेयरिंग परे भी ऑक्टेट हो पारुनी ये ऑक्टेट अच्छी माने सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन अच्छी ये ऑक्टेट नाही ना। तो ये पाखरे इलेक्ट्रॉन कौन अच्छी डेफिशिएंसी अच्छी तो ये कौन कर या को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर तो या को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर जुआडे डोनेट कर आरओ हेड आर एक्सेप्टर आड़क हेड चिन्ह डोनर आड़क आर टेल चिन्ह हाँ ना। तो ये कौन हम एटा हम डोनर बीटा हम एक्सेप्टर तो डोनर आउ एक्सेप्टर थिले सही केस रे हम कौन हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयारी हम बुझी। तो आम बुझे आम लिखिपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेफिनेशन ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्मड व्हेन एन आटम इन ए मॉलिक्यूल और आयन गोटे आयन रे गोटे कि गोटे मॉलिक्यूल रे जिते बड़े आटम कौन कै विथ कंप्लीट ऑक्टेट आफ्टर म्यूचुअल शेयरिंग है ना से कौन कै गोटे मॉलिक्यूल रे गोटे आटम कौन करे आफ्टर म्यूचुअल शेयरिंग कला परे कौन कर डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तार पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डा ताकि इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट थी से कौन कर डोनेट्स कर अदर आटम को जिते बड़े अदर आटम को डोनेट कर सही समय तुम कौन हम ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयारी हम किंतु आम कौन कर सपोज एटा गोटे डोनर आटम बीटा गोटे एक्सेप्टर आटम जिते बड़े
ए कौन करिबो ए रो किसी इलेक्ट्रॉन बी को डोनेट हम ए रो किसी इलेक्ट्रॉन एटा कौन डोनर आटम बीटा कौन आसेप्टर आटम ए जिते बड़े बी को डोनेट करिबो ए रो किसी ए रो इलेक्ट्रॉन डा जोड़ा डोनेट हो थो ए रो भी काउंट हम बी रि भी काउंट हम सब तुम्हें कौन करिबो ना ये या को डोनेट करदे माने बी रो इलेक्ट्रॉन काउंट हम ए रो काउंट हम ना एमती करिबो ना कौन कहली जदि एटा गोटे आमर डोनर आटम हुए बीटा गोटे आसेप्टर आटम हुए या को आम डोनर आटम कहवा ना मलिकुल आमर ए बी ए आटम भी अच्छी बी आटम भी अच्छी किंतु ए आटम आफ्टर म्यूचुअल शेयरिंग करना कौन है ऑक्टेट हो जाए ऑक्टेट होगापर ये कौन कर यार इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन करना डोनेट करोनेट कर आटम बी को आटम बीटा कौन ये आटम बीटा ऑक्टेट ना मान यार ऑक्टेट मान कम्प्लीट हो पारू ना तो या कम्प्लीट या ऑक्टेट कम्प्लीट करने ए आटम बी आटम को कौन कर डोनेट कर तो डोनेट कर सही समय जो बंड तैयारी हम तो कौन कह कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बंड से कोऑर्डिनेट बंड सिंबल कौन दबा आरो हेड माने ना हेड डाम रहइबो एक्सेप्टर आड़ को टेल डा रहइबो डोनर आड़ को बुझी तापरे बोथ आटम कौन हम ए आटम भी ऑक्टेट बी आटम भी ऑक्टेट हो जाए ये भी ए आटम भी स्टेबल बी आटम भी स्टेबल बोथ स्टेबल हम कि जो कौ इलेक्ट्रॉन डा डोनेट हो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट हो ए आटम रे भी काउंट हम ऑक्टेट पाई बी आटम रे भी काउंट हम ऑक्टेट पाई कौन कहली ना ए आउ बी भितरे जो इलेक्ट्रॉन डा कौन हेतिबो डोनेट हेतिबो ऑक्टेट पाई ए पाई भी काउंट हम ऑक्टेट पाई बी पाई भी काउंट हम कौन कहली डोनर डोनेट इलेक्ट्रॉन डा डोनर आटम पाई भी काउंट हम ऑक्टेट पाई आउ एक्सेप्टर आटम पाई भी काउंट हम ये हैला कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहची हेला दिस टाइप ऑफ माने कौन द डोनेट पेयर इज काउंटेड फॉर स्टेबिलिटी ऑफ बोथ आटम माने स्टेबिलिटी पाई ए आटम पाई भी काउंट हबो डोनर आटम पाई भी काउंट हबो एक्सेप्टर आटम पाई भी बी आटम पाई भी काउंट हबो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्मड ऑफ बिटवीन टू डिसिमिलर आटम दिटा डिसिमिलर आटम जोटा कि आम ना कौन ए आउ बी एटा हो ए पाखे कौन अच्छी सफिसीयंट इलेक्ट्रॉन बी पाखे कौन अच्छी डेफिसीयंसी इलेक्ट्रॉन तो एटा हम डोनर आटम बीटा हम एक्सेप्टर आटम तो ये सफिसीयंट इलेक्ट्रॉन थी ये ऑक्टेट थी ये कौन कर बी को ऑक्टेट करने इलेक्ट्रॉन डोनेट करतापर डोनर इलेक्ट्रॉन डा ए भी काउंट हम बी काउंट हम से केस कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयारी हम है ये आम कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आम देखा केमती मॉलिक्यूल रे मॉलिक्यूल केस रे अप्लाई करवा देख सपोज मुनेली कौन एच थ्री ओ प्लस एच थ्री ओ प्लस ताले देख लगे सेंटर आटमटा किए आमर ऑक्सीजन सेंटर आटमटा आमर ऑक्सीजन तापर बॉन्डेड आटमटा किए आमर हाइड्रोजन हैला तो ऑक्सीजन रो आटमिक नंबर एट ताले केते हबो टू सिक्स यार आउटर मोस्ट केते अछि सिक्स इलेक्ट्रॉन्स केते इलेक्ट्रॉन्स सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैला किंतु हाइड्रोजन रो आउटर मोस्ट केते अछि वन इलेक्ट्रॉन्स हम ना देखिलो एच थ्री ओ प्लस जेते आमे बुझिबा एच थ्री ओ प्लस कहिला माने ना ये आम कौन बुझा ना एच थ्री ओ प्लस मान गोटी तीन टा हाइड्रोजेन रु गोटे हाइड्रोजेन कौन अच्छी पॉजिटिव चार्ज आउ दुटा अच्छी न्यूट्रल चार्ज कौन कहली ना एच थ्री ओ प्लस आम कौन तीन टा हाइड्रोजेन रु गोटे हाइड्रोजेन अच्छी एच प्लस आयन आउ दुटा अच्छी न्यूट्रल देख यही हाइड्रोजेन आटमिक नंबर के वन इलेक्ट्रॉन वन यही हाइड्रोजेन आटमिक नंबर वन इलेक्ट्रॉन वन कि जार एच प्लस आयन मान इलेक्ट्रॉन एच प्लस आयन मान इलेक्ट्रॉन डोनेट कर किसी इलेक्ट्रॉन ना ही ना तो कौन कर यही ऑक्सीजन या सहित सेयार कर सेयार कर कौन हम कोवेलेंट बॉन्ड यही ऑक्सीजन यही हाइड्रोजेन सहित सेयार कर कौन हम कोवेलेंट बॉन्ड देख ल बर्तमान हाइड्रोजेन या सहित सेयार करना कौन होगा हीलियम होगा आउटर मोस्ट के दुटा होगा ये हाइड्रोजन कौन होगा हीलियम होगा देख लो ऑक्सीजन के दुई चार दुई चारि
छई आठ ऑक्सीजन वर्तमान शेयरिंग करना आफ्टर म्यूचुअल शेयरिंग करना कौन है ऑक्टेट केमी है दुई चार छ आठ केतटा हो गला टोटाल आउटरमोस्ट ऑक्सीजन आउटरमोस्ट एट इलेक्ट्रॉन होगा बर्तमान एट इलेक्ट्रॉन है मान से कौन कर गोटे आटम आउटरमोस्ट एट इलेक्ट्रॉन है मैंने कौन हम स्टेबुल हम स्टेबुल से कौन कर फर्दर आउ बंड फर्मेसन करना मैंने सेयरिंग इलेक्ट्रॉन करना किए कौन कोऑर्डिनेट बंड कौला तो ये कौन कर इलेक्ट्रॉन या कौन कर इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस किसी इलेक्ट्रॉन न थी ये या कौन कर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर जहाँफर एट स्ट्रक्चर केमी हम ना एच ऑक्सीजन भितर शेयरिंग होना कौन हम कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन आउ एच भितर शेयरिंग होना कौन हम कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग होना ऑक्टेट है या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर कौन हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड है एक्चुअली एमती कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है।